Hi everyone, this is Asish and you are watching E-Classes by Sid Chitelal Academy, RAT. Hello everyone, now we are going to do question number 6 of exercise 13B. In the figure PM equal PN, ये जो figure है इसमें PM जो है वो PN के equal है. PM is perpendicular to AB. PM जो है वो AB पर perpendicular है, यानी 90 degree का angle बना रहा है. And PN is perpendicular to AC. PN जो है वो AC पर perpendicular है, यानी 90 degree का angle बना रहा है. Prove that AM is equals to AN. आपको प्रूफ करना है कि जो AM है वो AN के equal है. अब कैसे प्रूफ करेंगे, देखिए सॉल्यूशन शुरू करते हैं. In triangle AMP and triangle ANP. ट्राइंगल ए एम पी ले लेंगे और ट्राइंगल ए एन पी ले लेंगे, दो ट्राइंगल ही यहाँ पे मौजूद हैं. सबसे पहला पॉइंट होगा एम पी इक्वल एन पी. एम पी जो है वो एन पी के इक्वल है, और ये इसलिए इक्वल है बिकॉज इट इज़ गिवन, क्योंकि ये हमको यहाँ पर दिया गया था. देखिए पी एम इक्वल पी एन है, तो हमने लिखा एम पी इक्वल एन पी. जो सेकेंड पॉइंट बनेगा वो बनेगा एंगल ए एम पी, यानी दिस एंगल ए एम पी, यहाँ पर जो एंगल बन रहा है एंगल ए एन पी के इक्वल होगा. एंगल ए एन पी, ये जो एंगल्स होंगे दोनों हमारे, ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल हो जाएंगे. और क्यों हो जाएंगे, उसका रीज़न देखिए. पी एम इज़ परपेंडिकुलर टू ए बी. पी एम जो है परपेंडिकुलर है ए बी पर, तो ये 90 डिग्री बनेगा. और पी एन जो है वो परपेंडिकुलर है ए सी पर, तो ये भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा. और थर्ड पॉइंट हो जाएगा ए पी इक्वल ए पी. ये जो साइड आप देख रहे हैं बीच में जा रही है दोनों ट्राइंगल्स के, ये कॉमन साइड है, तो इसको हम कॉमन साइड ले लेंगे. उसके बाद थ्री एलिमेंट्स वी हैव प्रूव्ड एज इक्वल इन टू ट्राइंगल्स, तो हम लिखेंगे ट्राइंगल ए एम पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए एन पी. यानी ट्राइंगल ए एम पी जो है वो ट्राइंगल ए एन पी के कॉन्ग्रुएंट है. और उसमें जो प्रॉपर्टी यूज़ हुई है वो है आर एच एस, यानी राइट एंगल हाइपोटेनस साइड. देखिए राइट एंगल कैसे है, ये हमने जो लिया हुआ था एंगल ये राइट एंगल था. इसके सामने की जो साइड है ये कॉमन साइड जो आई थी ये हाइपोटेनस है, और एक साइड इक्वल है. तो इसमें जो कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन यूज़ होगा वो यूज़ होगा राइट एंगल हाइपोटेनस साइड, यानी आर एच एस. और जब दो ट्राइंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करा देते हैं तो उनके रिमेनिंग थ्री एलिमेंट्स भी आपस में इक्वल हो जाते हैं, और वो प्रॉपर्टी होती है करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स. तो देखिए ए एम, यानी ये जो साइड थी इसकी ए एम, ये साइड इक्वल हो जाएगी ए एन के. और इसकी जो प्रॉपर्टी लिखेंगे वो लिखेंगे सी पी सी टी. सी पी सी टी मीन्स करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल्स. ये दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स थे, तो उनके जो करेस्पॉन्डिंग रिमेनिंग पार्ट्स होंगे वो भी इक्वल होंगे. इसीलिए ए एम इक्वल ए एन सी पी सी टी से इक्वल हो जाएगा, एंड इट इज़ प्रूव्ड हियर.